सब्सक्राइब कीजिए नेट क्रैकर के चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को लेटेस्ट वीडियो वॉच करने के लिए सबसे पहले। स्टूडेंट वेलकम टू नेट क्रैकर ई कक्षा, मैं अनुराग शर्मा ई कक्षा पोर्टल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग बात करेंगे मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट के अंदर सबसे ज्यादा महान थिंकर जिनका नाम है थॉमस हॉब्स। स्टूडेंट जब बात की जाती है थॉमस हॉब्स की तो रियलिज्म के अंदर थॉमस हॉब्स का कंट्रीब्यूशन एंड मॉडर्न स्टेट कॉन्सेप्ट्स के ऊपर थॉमस हॉब्स के आइडियाज सबसे फाइनेस्ट माने जाते हैं। यहां तक कि कार्ल मार्क्स ने कहा था कि थॉमस हॉब्स इज अ फादर ऑफ ऑल ऑफ अस इन टर्म्स। इफ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द मॉडर्न स्टेट मॉडर्न सिविलाइजेशन तो आपको थॉमस हॉब्स को डेफिनेटली पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। थॉमस हॉब्स की अगर बात की जाए, इनकी लाइफ को समझा जाए, तो इनका जन्म इंग्लैंड के अंदर हुआ था, मेल्सबरी नाम की जगह जो कि इंग्लैंड के पोर्ट के पास पड़ती है, वहां इनका जन्म एक पादरी के घर में हुआ। थॉमस हॉब्स की एजुकेशन की बात की जाए तो ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े और साथ ही इनके पूरे जीवन काल में इन्होंने बहुत सारे राजनीतिक उतार चढ़ाव अपने सामने देखे। यहां तक कि थॉमस हॉब्स ये कहते हैं कि मी एंड फेयर वर बॉर्न टुगेदर, मेरा और डर का जन्म साथ में हुआ, क्योंकि वो उस समय का दौर था जब खून खराबा मारकाट हर जगह फैली हुई थी और इनको लगता था कि यही है जो पूरी दुनिया में चीजों को डिसाइड करता है। इसी तरह का जो नेचर है व्यक्ति का, वही समझाता है कि किस दिशा में ये दुनिया जा रही है और किस दिशा में राज्य कार्य करते हैं। इसी चीजों को समझते हुए थॉमस हॉब्स अपनी एक थ्योरी को बनाते हैं जिसको नाम देते हैं वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, सामाजिक संहिता सिद्धांत। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की अगर बात की जाए तो हमें ऐसे बहुत सारे थिंकर मिलेंगे जिनके विचारों में, जिनकी आइडियोलॉजी के अंदर आपको ये इनिशियल ट्रेसेस मिलते हैं। थॉमस हॉब्स मैकियावेली को अगर कंपेयर किया जाए तो मैकियावेली और थॉमस हॉब्स के आइडियाज ह्यूमन नेचर को लेके काफी सिमिलर आपको नजर आएंगे। दोनों ही ह्यूमन नेचर की इम्प्योरिटीज को, उसकी इविलनेस को समझाने की कोशिश करते हैं और उसी के बेसिस पे अपने मॉडर्न स्टेट का कॉन्सेप्शन रखते हैं। थॉमस हॉब्स की अगर मैं बात करूं तो थॉमस हॉब्स अपने समय में साइंटिफिक मटेरियलिज्म को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते थे, दैट मीन्स वैज्ञानिक भौतिकवाद को। वैज्ञानिक भौतिकवाद की अगर मैं बात करूं तो ये वो थ्योरी है या वो एरिया है जो कि यूटिलिटरिज्म से जुड़ता है, यूटिलिटेरियन आइडियाज की बात करता है, यूटिलिटी की बात करता है। और साथ ही एक और कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में यहां से घूमता है विच इज नोन एज द हेडोनिज्म, सुखवादी सिद्धांत। सुखवाद क्या है? इंग्लैंड की राजनीतिक थ्योरी जितनी भी है, इंग्लैंड की जितनी भी पॉलिटिकल फिलॉसफी आप पढ़ेंगे या जितने भी पॉलिटिकल थिंकर्स को, दोज हु बिलोंग्स टू इंग्लैंड, उन सब के विचारों में, उन सब की बातों में आपको एक कॉमन आइडिया नजर आएगा। दैट आइडिया इज रिलेटेड टू द हैप्पीनेस ऑफ इंडिविजुअल, व्यक्ति की जो खुशियां हैं उनसे जुड़े ये विचार हैं पूरी तरह से। मैकियावेली जहां इटली से आते हैं, इटली की राजनीतिक परिस्थितियों को लेके वो चीजें समझाते हैं, व्यक्तियों के बारे में बात करते हैं, ह्यूमन नेचर की सेल्फिशनेस को समझाते हुए वो राजा को क्या करना चाहिए, प्रिंस किस तरह काम करेगा, स्टेट वर्क कैसे करेगा, फंक्शनिंग ऑफ स्टेट को समझाते हैं। वहीं थॉमस हॉब्स ह्यूमन नेचर को कंसीडर करते हुए मॉडर्न स्टेट क्या है इसको समझाते हैं अपने फाइनेस्ट टेक्स्ट, जिसका नाम है लवियथन। इसकी बेसिक जो मिथोलॉजी है, बेसिक जो टेक्स्ट है, दैट इज बेस्ड ऑन टू द सी मॉन्स्टर, आइडिया ऑफ सी मॉन्स्टर। लवियथन को जब ये समझाएंगे, लवियथन पे अपने विचार रखेंगे, तो थॉमस हॉब्स का जो सेंटर पॉइंट रहता है पूरी की पूरी फिलॉसफी के अंदर, वो इस चीज को समझाने पर रहता है कि ह्यूमन नेचर की वजह से चीजें किस तरह से काम करती हैं और मॉडर्न स्टेट अगर इविल है, अगर बुरा है, तो वो किस वजह से है, और अगर अच्छा है तो वो किस वजह से है, और एक स्टेट को बने रहने के लिए क्या करना चाहिए। अब यहां पे एक बड़ा फर्क ये आ जाएगा, जहां मैकियावेली राजा को बहुत ताकतवर बनाते हैं, थॉमस हॉब्स के लिए सिर्फ और सिर्फ स्टेट ताकतवर है। उनको लगता है कि राज्य ज्यादा शक्तिशाली होना चाहिए, ना कि व्यक्ति शक्तिशाली होना चाहिए। राज्य जब शक्तिशाली रहेगा, राज्य के ऊपर पूर्ण तौर पर अपनी जो है सॉवरेनिटी राज्य मेंटेन कर सकेगा, इफ अ स्टेट कैन मेंटेन हिज सॉवरेनिटी, ठीक है, संप्रभुता जिसको आप कहते हैं, तो ही राज्य जो है निरंतर बने रह सकते हैं, स्टेट कैन कंटिन्यू हिज यू नो एग्जिस्टेंस। इसी कंडीशन में ये हो सकता है। तो यहां पर थॉमस हॉब्स के साथ हम इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। 1588 से लेके 1679 के बीच का कार्यकाल था जब ये रहे यहां पर, ठीक है, और इनका लाइफ स्पैन भी लंबा था। साथ ही थॉमस हॉब्स के विचारों को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया, परंतु साथ ही सराहा भी बहुत किया गया। किसी भी विचारधारा के
चिंतक हों, चाहे वो लिबरलिज्म को फॉलो करते हों, रियलिज्म को फॉलो करते हों, मार्क्सिस्ट थिंकर रहे, सब थॉमस हॉब्स के विचारों से सहमत हैं। कुछ चीजों पे कुछ तर्कों को मानने से मना करते हैं, परंतु बहुत सारे जो विचार हैं थॉमस हॉब्स के, वो उन समय में लोगों ने ना सिर्फ एक्सेप्ट किए बल्कि उनको सराहाया भी। थॉमस हॉब्स जब अपने आइडियाज दिया करते थे, स्पेशली अपनी थ्योरीज की बात किया करते थे, तो बड़े तौर पर साइंटिफिक एक्सपेक्ट्स के बेसिस पे उसको डिस्कस किया करते थे। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं ये पूरी यूनिवर्स जो है एक मशीन की तरह है, और इस मशीन के अंदर छोटे छोटे सिस्टम हैं, छोटे छोटे पार्ट्स हैं, जिन सबके इक्विवेलेंटली वर्क करने में, बराबरी में काम करने में ये मशीन पूरी चलती है, ये यंत्र की तरह चलती है। तो इनके इस विचारों की वजह से इनको इनके समय का गैलीलियो कहा जाता था। कहा जाता था कि ये कैल्पैन और गैलीलियो के विचारों से बड़े ज्यादा प्रभावित थे, तो इस वजह से इनको इस समय में गैलीलियो भी कहा जाता था। थॉमस हॉब्स जब अपने विचारों की शुरुआत करते हैं, अपने आइडियाज की शुरुआत करते हैं, तो थॉमस हॉब्स एक सिंपल सी बात कहते हैं राज्य का काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। ठीक है, लोग जो रह रहे हैं वो सुखी होके रहें, समृद्धि से रहें, अपना कार्य कर सकें, एक सुख से जीवन जी सकें। दिस पीस इज अ प्राइम इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल। व्यक्ति की जो नीड है किसी राज्य के अंदर रहने की, वो शांति है। अभी शांति मिलेगी कैसे? आप अगर मान लीजिए जंगल में रहते हैं और आप सोचते हैं कि मैं हमेशा आराम से वहां रहता रहूं, कभी कोई तकलीफ ना हो, कभी कोई परेशानी ना हो, तो ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि किसी ना किसी दिन ऐसा होगा कि कोई जानवर आपके पास आएगा, आप पे अटैक करेगा, या फिर हो सकता है कि कोई और व्यक्ति जो जंगल में रह रहा है वो आपके रिसोर्सेस छीनने आपके पास आ जाए। तो किस कंडीशन में आप इस पीस को मेंटेन कर पाएंगे? युद्ध के बाद आप पीस को मेंटेन कर पाएंगे। ऐसा सुना है ना आपने कई बार कि लड़ाई के बाद एक शांति छा जाती है। शांति कोल्ड वॉर का हम समय देखते हैं, युद्ध बनता, परंतु फिर भी एक एक ऐसी लड़ाई चल रही थी, लंबे समय तक एक ऐसी लड़ाई चलती रही, 30-40 सालों तक वो लड़ाई चलती रही धीरे धीरे, और उसके बाद दुनिया ने यही उम्मीद करी कि अब शांति छा जाएगी। हमेशा एक लंबा युद्ध एक शांति को भी जन्म देता है। वो कितने टाइम तक बनी रहे, दैट पीस कितने टाइम तक मेंटेन रहे, दैट इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट। बट वॉर को थॉमस हॉब्स मानते हैं इट इज नेसेसरी। अगर लड़ाइयां नहीं लड़ी जाएंगी तो इंसान जो है कभी भी पीस को स्टेब्लिश नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से थॉमस हॉब रियलिज्म के अंदर, एंड इस पर्टिकुलर फॉर्म जिसको आप लोगों ने बोला मॉडर्न स्टेट कॉन्सेप्ट्स, इसमें थॉमस हॉब्स के आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं थॉमस हॉब्स के सबसे पहले एक विचार के साथ, विच इज रिलेटेड टू द ह्यूमन नेचर। व्यक्तिवादी क्यों है और व्यक्तिवादी विचारों के लिए थॉमस हॉब्स क्या सोचते हैं उसको डिस्कस करेंगे। थिंकर्स ने यह भी कहा कि जब थॉमस हॉब्स शुरुआत करते हैं अपनी राइटिंग्स की, अपनी थ्योरी की, तो इंडिविजुअलिस्ट हैं, व्यक्तिवादी हैं, परंतु जब अंत करते हैं अपनी पूरी फिलॉसफी का, तब तक वो एब्सोल्यूटिस्ट हो चुके होते हैं, संपूर्णवादी हो चुके हैं। उनकी संप्रभुता जो है वो राज्य को अनकंट्रोल्ड एब्सोल्यूट बना देती है, टोटलिटेरियन बना देती है। ठीक है कि राज्य पूरी तरह से संप्रभु है और निरंकुश है, उसके ऊपर किसी की कोई रोक टोक नहीं है। उदाहरण के तौर पर अगर मैकियावेली के राज्य में आप रहते हैं, ठीक है, और प्रिंस गलत है तो वो हट सकता है, ठीक है, प्रिंस रिप्लेस हो सकता है, ठीक है, राज्य को लेके। पर जब थॉमस हॉब्स राज्य को रखते हैं तो वो प्रिंस को, इन सब को इतनी पावर दे देते हैं कि राज्य एकदम अनकंट्रोल्ड एब्सोल्यूट होके रह जाता है। तो इस विचारों के ऊपर जब थिंकर अपने विचार रखते हैं तो थॉमस हॉब्स की क्रिटिसिज्म भी बड़े तौर पर होती है, बट उनका एप्रिशिएशन जो है उससे कहीं ज्यादा है। स्टूडेंट आइए स्टार्ट करते हैं थॉमस हॉब्स के आइडियाज के साथ। स्टूडेंट थॉमस हॉब्स के जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, पर सबसे बड़ा जो बदलाव उनके जीवन में आया है, सबसे ज्यादा जो चिंताजनक समय उनके जीवन में रहा, ये वो समय था जब 1640 के आसपास इंग्लैंड के अंदर राजा और संसद के बीच में जो विद्रोह चल रहा था। उस समय थॉमस हॉब्स ने बहुत सारी ऐसी राइटिंग्स की जो कि उस समय के निरंकुश शासन के समर्थन में थी। इसका रिजल्ट ये हुआ कि जब संसद ने सत्ता हासिल कर ली, उस समय राजा ने सत्ता हासिल कर ली, तो थॉमस हॉब्स को इंग्लैंड छोड़कर फ्रांस भागना पड़ा। अब जब ये फ्रांस में थे तो साल 1946 में चार्ल्स द्वितीय इनके पास आते हैं और उनके स्टूडेंट के तौर पर 2 साल तक इनके साथ रहते हैं। इसी समय थॉमस हॉब्स ने लवियथन नाम की अपनी किताब को लिखा था, जो उन्होंने चार्ल्स द्वितीय को एज अ गिफ्ट 1651 में गिफ्ट की। अब इसके बाद थॉमस हॉब्स के जीवन के उतार चढ़ाव अभी
अभी तक बदले नहीं थे। एक तरफ थॉमस हॉब्स के विचार लोगों को प्रभावित करते थे, तो ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनको थॉमस हॉब्स के आइडियाज जो थे नास्तिक लगते थे। ये ऐसे आइडिया थे जो अगेंस्ट दी गॉड एंड गॉड पावर के, इन सब चीजों के खिलाफ थे, गॉड लॉस के खिलाफ थे। तो इनका विद्रोह बहुत ज्यादा होने लगा। उस समय ऐसा कहा जाता है कि बड़े तौर पर जो पादरी हुआ करते थे, चर्चेज जो थे, वो थॉमस हॉब्स का विद्रोह किया करते थे। आगे चल के थॉमस हॉब्स ने दो और किताबें लिखी, जिसमें दी कॉर्पोरा और ह्यूमेन नाम की किताब इन्होंने जब लिखी, तो इसके बाद थॉमस हॉब्स के ऊपर जो आरोप लगाए गए थे कि ये नास्तिक हैं, नास्तिकवादी हैं, भगवान में विश्वास नहीं करते, ये आरोप और बड़े तौर पर सिद्ध हो गए। परंतु थॉमस हॉब्स की किस्मत कहीं ना कहीं अच्छी थी। 1660 के आसपास चार्ल्स जो है वो सत्ता पे आए, और सत्ता में आने के बाद उन्होंने थॉमस हॉब्स को ये कहा कि आप राज्यसभा में आ सकते हैं, बैठ सकते हैं, और साथ ही आपको कुछ वेतन भी दिया जाएगा इसके बदले। परंतु थॉमस हॉब्स का सभा में आके बैठना लोगों को पसंद नहीं था, बिकॉज थॉमस हॉब्स के आइडिया, जैसा कि मैंने बताया, कि वो बेसिकली एंटागोनिस्ट आइडियाज थे, नास्तिक आइडिया थे, ऐसे आइडिया थे जिसपे वो बिलीव नहीं किया करते थे भगवान के ऊपर, वो साइंस में ज्यादा बिलीव किया करते थे। आगे चल के 1965 में जब इंग्लैंड के अंदर प्लेग फैला, और उसके बाद जब यहाँ पर 1966 में जब आग लगी बड़े तौर पर 1666 के अंदर, तब ऐसा लगा लोगों को ये थॉमस हॉब्स के जो नास्तिकवादी विचार हैं ये उन्हीं का असर है, तो यहाँ पर विद्रोह और बड़े तौर पर बढ़ गया। कुछ पादरियों ने और राज्यसभा के कुछ लोगों ने कहा कि थॉमस हॉब्स को जिंदा जला दिया जाए। ये उनके विचारों का ही असर है कि इंग्लैंड को इतनी ज्यादा बड़े तौर पर क्षति झेलनी पड़ रही है। परंतु चार्ल्स के टीचर रहे थे थॉमस हॉब्स, और इस एहसान को मानते हुए चार्ल्स ने उनको कहा कि मैं आपको एक शर्त पर जीवन दान दूंगा, अगर आप मुझे वादा करें कि आप अब सत्ता शासन या राज्य से जुड़ी कोई भी चीज नहीं लिखेंगे, कोई भी ऐसी पुस्तक या कोई भी ऐसा लेख नहीं लिखेंगे। और चार्ल्स की सलाह मानते हुए थॉमस हॉब्स ने डिसाइड किया कि अब वो इस तरह की कोई भी पुस्तक को नहीं लिखेंगे, राज्य धर्म से लिखा हुआ कोई भी ग्रंथ या कुछ भी वो नहीं लिखेंगे। परंतु थॉमस हॉब्स ने अब तक जो राइटिंग्स की थी, उन राइटिंग्स का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा था। उस समय की सत्ता, उस समय के राजा और उस समय के लोगों के ऊपर थॉमस हॉब्स का प्रभाव बहुत बड़े तौर पर पड़ा। थॉमस हॉब्स ने कुछ ऐसे एरियाज पे ध्यान दिया था या कुछ ऐसे विचारों के ऊपर फोकस किया था जो उस समय तक उतने ज्यादा प्रचलित नहीं थे। उदाहरण के तौर पर यूटिलिटरिज्म की जब हम बात करते हैं, यूटिलिटेरियन आइडियाज की बात करते हैं, आगे आप बेंथम को जब पढ़ेंगे, आप जेम्स मिल, जेस मिल को जब पढ़ेंगे, तो ये आइडिया बड़े तौर पर डिस्कस होंगे। बट थॉमस हॉब्स के लिए कहा जाता है कि ही इज द फादर ऑफ यूटिलिटरिज्म, क्योंकि इन्होंने ही अपने विचारों के अंदर यूटिलिटी की जो है जगह उसको कहीं ना कहीं उजागर किया था। थॉमस हॉब्स सेंस की बात करते हैं, सेंसेशंस की बात करते हैं, चेतना, मानव चेतना की बात करते हैं, और कहते हैं कि इंसान के ऊपर दो सॉवरन गॉड हैं जो उससे हमेशा कोई भी कार्य कराते हैं। एक है लव एंड दूसरा है एवर्जन, प्रेम एवं घृणा। आप कोई भी कार्य जब करेंगे, या तो आप प्रेम में करेंगे या तो आप घृणा में करेंगे। उदाहरण के तौर पर आपने कई बार ऐसी चीजें सुनी होंगी कि लोग प्यार में जान देने को तैयार रहते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर मैं कहूं कि आपसे कहा जाए कि आपकी जान ली जाएगी या फिर आपके माता पिता में से किसी की जान ली जाएगी, तो आप क्या कहेंगे कि नहीं, मेरी जान ले लीजिए, ठीक है, पर इनको छोड़ दीजिए, बिकॉज यू आर इन लव, आप अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। या घृणा होगी, भले ही आप कितने भी संत हैं, कितने भी आप शरीफ इंसान हैं, परंतु जब गुस्सा आता है, किसी से घृणा होती है, द्वेष होता है, तो क्या होता है, आपका हाथ उठ जाता है। कई बार लोग बहुत एग्रेसिव स्टेप भी ले लेते हैं, अपनी अपनी लिमिट से बाहर जाके, चाहे वो फिजिकल हो या मेंटल हो। तो दिस इज एक्चुअली डिस्क्राइब बाय द थॉमस हॉब्स इन फॉर्म ऑफ सेंसेस एंड सेंसेशंस। तो वो कहते हैं कि ये जो दो सॉवरन है, ये इंसान के ऊपर पूरी तरह से हावी हैं, और इनके इसी विचारों को एक बेस मान के आगे चल के जब यूटिलिटरिज्म का आइडिया आएगा हेडोनिज्म के साथ जुड़ के, तो वो इतना प्रचलित हो जाएगा। इसको बेंथम प्लेजर और पेन के कॉन्सेप्ट से समझाएंगे और बताएंगे टाइप्स ऑफ पेन क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ प्लेजर क्या होते हैं। तो हम थॉमस हॉब्स के विचारों से ये भी समझते हैं कि यूटिलिटरिज्म का उदय कैसे होता है। दूसरी तरफ अगर मटेरियलिस्टिक चीजों की बात की जाए, भौतिकवादी चीजों की बात की जाए, जो आपके आसपास है, आपके चारों तरफ है, इनका क्या प्रभाव पड़ता है, थॉमस हॉब्स इसकी भी बातें करते हैं, अपने विचारों में बड़े तौर पर इन प्रभावों को समझाते हैं। साइंटिफिक मटेरियल का हॉब्स का आइडिया इसलिए भी बहुत फेमस हुआ, बिकॉज हॉब्स जब अपनी राइटिंग्स के अंदर
बड़े तौर पर धर्म और धर्म के आधार पर जुड़ी हुई राजनीति को क्रिटिसाइज करते हैं, तो वो कहते हैं कि मैं धर्म को नहीं मानता और ना ही मैं ये मानता हूं कि राज्य को चलाने के लिए, राज्य प्रणाली के लिए, मानव स्वभाव को समझने के लिए धर्म का कोई भी स्थान है। वो कहते हैं कि व्यक्ति भौतिकवादी है और भौतिकवाद के आधार पर ही हमें इन सब चीजों को समझना चाहिए। जब वो उदाहरण देते हैं इस यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का, तो कहते हैं कि जिस प्रकार मशीन में बहुत सारे पुर्जे होते हैं और सब एक दूसरे से जुड़ के काम करते हैं, उसी प्रकार ये भौतिकवाद ही है जो कि व्यक्ति को और समाज को चलाता है। वे कहते हैं कि चीजें जरूरतों के आधार पर जो है स्थिति में है, अगर जरूरतें खत्म हो जाएं तो वो स्थिति उस प्रकार की नहीं रहेगी। उदाहरण मैं आपको देता हूं, कई बार इस तरह से कहा जाता है कि अगर मान लीजिए आप जंगल में जाएं और जंगल में जाके आप कुछ सामान की दुकान खोल के बैठ जाएं, तो डेफिनेटली वहां पे कोई शॉपिंग करने नहीं आने वाला। तो इसलिए ये कहते हैं कि भौतिकवाद जो है वही इकलौती एक ऐसा तरीका है जिससे आप समाज को समझ सकते हैं या समाज के बारे में समझ सकते हैं, यहां तक कि राज्य के बनने, राज्य की उत्पत्ति को भी ये भौतिकवाद से जोड़ते हैं। कहते हैं जरूरतों ने लोगों को जोड़ा है, जिस चीज की जरूरत होती है वो समाज में होती है, जिस चीज की जरूरतें नहीं होती उसको समाज से हटा दिया जाता है। थॉमस हॉब्स के ये विचार उनको उस समय में साइंटिफिक मटेरियलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से वैज्ञानिक भौतिकवादी के तौर पर फेमस कराती हैं, बिकॉज ना सिर्फ थॉमस हॉब्स भौतिकवाद को समझाते हैं अपितु उसके जो वैज्ञानिक तौर तरीके हैं, वैज्ञानिक तौर पर भी उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से भौतिकवाद की आवश्यकता क्यों है, जिस चीज की आपको जरूरत है वो किस तरह से मिल सकती है, कैसे मिल सकती है, साइंटिफिकली वो क्यों एग्जिस्ट करती है, और अगर कोई चीज एग्जिस्ट करती है तो जरूरी नहीं है कि आप उसको भगवान से या गॉड से जोड़कर देखें, वो सिर्फ और सिर्फ एक मटेरियल है, उसको आप एक मटेरियल के तौर पर देखिए। इन विचारों से थॉमस हॉब्स उस समय में बहुत क्रिटिसाइज भी होते हैं, बिकॉज ये वो समय था जब इंग्लैंड के अंदर इस प्रकार के विचारों की कोई जगह नहीं थी, ये फ्रांस में भी रहे, वहां पे भी इस प्रकार के विचारों को ज्यादा समर्थन नहीं किया जाता था। आगे चल के थॉमस हॉब्स के विचार जहां पे एक तरफ क्रिटिसाइज होते हैं, बट मॉडर्न थिंकर्स जो आएंगे वो इन विचारों से बहुत सहमत होंगे, और सहमत होकर वो इन विचारों के बेसिस पे ही ये कहेंगे कि थॉमस हॉब्स के जो विचार हैं वो यूटिलिटरिज्म जैसी थ्योरीज को जन्म देते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पे थॉमस हॉब्स के कोर आइडिया के ऊपर बात करते हैं और शुरुआत करते हैं थॉमस हॉब्स के सबसे बड़े कॉन्ट्रीब्यूशन की, जिसकी शुरुआत होती है उनकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी से। क्या है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, क्या है सामाजिक संविदा सिद्धांत, इसको समझाते हुए थॉमस हॉब्स बहुत सारे विचारों पर डिस्कस करते हैं। वो बात करते हैं ह्यूमन नेचर की, स्टेट के बनने की, स्टेट ऑफ नेचर की बात करते हैं, राइट्स की बात करते हैं, लवियथन क्या है, मॉडर्न स्टेट कैसा होगा, इन सब विचारों पे अपनी तर्क रखते हैं। और शुरुआत सबसे पहले करते हैं मानव स्वभाव के साथ, ह्यूमन नेचर के साथ। कहते हैं थॉमस हॉब्स के मानव स्वभाव जो है वो बहुत सारी कमियां, बहुत सारी त्रुटियां, बहुत सारी इम्प्योरिटी अपने अंदर रखता है। कहते हैं कि जिस प्रकार से छोटे छोटे जीव हैं, मक्खी है, चींटी है, बाकी सब चीजें हैं, ये घूमते हैं, फिरते हैं, खाते हैं और सो जाते हैं, इनके अंदर कोई अग्रेशन, कोई ईर्ष्या, कोई सोचने समझने की ताकत नहीं है, परंतु व्यक्ति के अंदर ईर्ष्या है, घृणा है, सोचना समझने की ताकत है, जिसमें वह सदैव इस ईर्ष्या और घृणा से भरा रहता है या इसके चारों तरफ रहता है। दैट मीन्स जेलसी इनसाइड द ह्यूमन नेचर, ठीक है। और इस ईर्ष्या और घृणा की वजह से कई बार वो बहुत ज्यादा डर में आ जाता है, या कई बार बहुत ज्यादा घमंड में आ जाता है, ईगो उसके ऊपर हावी होती है, या कावर्ड हो जाता है, वो डरपोक हो जाता है बहुत ज्यादा। तो इस वजहों से वो पीस चाहता है, और इस पीस को अटैन करने के लिए वो युद्ध करता है। तो इस तरह से युद्ध के थ्रू वो उस पीस को मेंटेन करता है, और अपने अंदर अपने आप को एब्सोल्यूटिस्ट बनाने की जो कोशिश है उसकी वो हमेशा चलती रहती है, दूसरों से बेहतर बनाने की जो लड़ाई है वो हमेशा चलती रहती है, और वो युद्ध कहीं ना कहीं लड़ता रहता है। अगर आज आप अपने सामाजिक जीवन को देखें, अपने आर्थिक जीवन को देखें, अपने व्यापारिक जीवन को देखें, तो आपको समझ में आएगा कि हर जगह आप किसी ना किसी युद्ध का हिस्सा हैं, आप लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं। कहा गया है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये थ्योरी है डार्विन की, और इसी चीज को समझते हुए थॉमस हॉब्स के इस विचार पे प्रोफेसर वाइपर कहते हैं कि इंडिविजुअल नेचर को समझाने में थॉमस हॉब्स से ज्यादा अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन कभी कोई नहीं दे सकता। थॉमस हॉब्स मानव स्वभाव को समझाते हुए उन परिस्थितियों की बात करते हैं जब व्यक्ति जंगलों में रहता था, अकेला रहता था। अब क्योंकि आप जंगल में हैं, बिल्कुल अकेले हैं, तो अभी आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण, कोई कंट्रोल नहीं है। आपका जहां मन जाए आप वहां जाइए, जहां बैठना हो बैठिए, जो खाना हो खाइए, जो करना हो करिए, यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। आप खुद के मालिक हैं, स्वयं के आप मालिक हैं, स्वयं प्रभु हैं। तो क्या है आप? सॉवरन हैं आप, टोटली सॉवरन हैं आप। बट ये सॉवरनिटी कब तक बनी रहेगी? जब तक बनी रहेगी जब तक आपसे ज्यादा कोई ताकतवर आपको
ना मिल जाए। जंगल का राजा शेर, पर शेर अगर हाथी से लड़ लिया तो कौन राजा हो गया? हाथी हो गया अगर शेर को मार दे तो। ठीक है, तो इस तरह से आपकी ताकत, आपकी शक्ति जब तक आपके पास है, जब तक आप सॉवरन है, संप्रभु है पूरी तरह से। कश्मीर सेट में क्वेश्चन पूछा गया था कि आज के डेट में कोई भी कंट्री सॉवरन है क्या? सो आंसर है नहीं, आज के टाइम पे आप सॉवरन नहीं हो सकते। आप किसी ना किसी पे, किसी ना किसी वजह से डिपेंडेंट है। अमेरिका जैसी महाशक्ति भी चीजों के ऊपर डिपेंडेंट होती है। तो यहां पर जब इस सॉवरनिटी की बात करते हैं तो ये उन परिस्थितियों को समझाते हैं और कहते हैं स्टेट ऑफ नेचर के इंसान अंदर था। कौन सा समय था? स्टेट ऑफ नेचर, प्राकृतिक अवस्था की बात कर रहे हैं, जब आप जंगलों में रहा करते थे। तो यहां क्या था? यहां क्योंकि आप अकेले थे, आप खुद के मालिक स्वयं थे, परंतु तो स्थिति कैसी थी? स्थिति ऐसी थी जहां पर आपकी जान का मालिक आप खुद हैं। कब तक हैं? जब तक कोई दूसरा ना आ जाए। आपसे ताकतवर जैसे ही आएगा वो आपकी जान वहीं पर ले लेगा। और ये जो पूरा समय था, ये ऐसा समय था जब व्यक्ति को आप निर्दोष या इनोसेंट नहीं कह सकते। इट इज ऑल अबाउट अपॉर्चुनिटी, इट इज ऑल अबाउट अ चांस। आप जब तक निर्दोष हैं, जब तक आपको दोष करने का मौका नहीं मिलता। ठीक है, या आप जब तक जो है धर्मी हैं, जब तक आपको अधर्म करने का मौका नहीं मिलता। ऐसा कहा थॉमस हॉब्स ने, और कहा कि इंसान का स्वभाव पूरी तरह से सेल्फिश है, कावर्ड है, अगली है, ब्रूटल है, नेस्टी है, इविल एंड डिजायर है। हिंदी में अगर मैं कहूं तो दोषपूर्ण है, गिरा हुआ है, नीच है, ऐसा वैसा, स्वार्थी है, घृणा से भरा हुआ है, डर से भरा हुआ है, और ये डर ही उसके ऊपर हमेशा हावी रहता है। इसलिए कहते हैं कि व्यक्ति में इतनी सारी कमियां हैं, इसलिए जो समय है, दैट स्टेट ऑफ नेचर, इट इज कॉल्ड द टाइम ऑफ एनार्की। ये अराजकता का समय है, जब सारी तरफ एनार्की फैली हुई है। जिसकी लाठी उसी की भैंस, जिसके पास ताकत है वही राज करेगा। ठीक है, कॉन्वेंट विदाउट शॉर्ड इज वर्ड्स ओनली। ठीक है, ऐसा कहते हैं कि बिना तलवार के शासन नहीं किया जा सकता, शक्ति से शासन होगा। इस तरह से समझाते हैं कि उस समय की स्थिति कैसी है। अब क्योंकि स्थिति इतनी खराब है, थॉमस हॉब्स कहते हैं कि स्थिति में ये जो कमियां हैं बहुत सारी, इनिशियल तौर पे तो व्यक्ति इन कमियों के साथ जी रहा है, झेल रहा है इनको, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसको रियलाइज होता है कि इन कमियों के साथ जीना मुश्किल हो जाएगा। आप किसी भी चीज को अर्जित करें, आप किसी भी चीज को ऑक्यूपाई करें, ठीक है, उसको अपने पोजिशन में लेके आए, आप संपत्ति इकट्ठी करें, परिवार बनाए, परंतु अगर उनकी सुरक्षा की ही कोई गारंटी नहीं है, तो ऐसे में जो ये युद्ध का काल है ये हमेशा चलता रहेगा। तो मनुष्य ने डिसाइड किया कि अब कुछ चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। अब यहां पर यह भी समझना है कि हम लोग सेंस की बात करेंगे थॉमस हॉब्स के साथ, ये मटेरियलिस्टिक साइंटिफिज्म में बिलीव करते थे। तो क्या कहते हैं? कहते हैं मनुष्य के अंदर चेतना है, ठीक है, दिमाग है उसके अंदर, सेंसेशंस हैं उसके अंदर। तो वो कहता है कि हम कुछ कानूनों की बात करेंगे। पहला प्राकृतिक कानून क्या होगा? नेचुरल लॉज हमारे सामने आते हैं। क्या सामने आता है? प्राकृतिक कानून, नेचुरल लॉज। क्या है नेचुरल लॉज? क्या है प्राकृतिक कानून? पहला कानून क्या है प्रकृति का? ठीक है, प्रकृति का कानून कहता है कि जो मजबूत है, जो ताकतवर है, वो जिएगा। ठीक है, अब जब इन कानूनों की बात हो रही है तो यहां से एक और शब्द निकल के आएगा, नेचुरल राइट्स। अब थॉमस हॉब्स का जो कॉन्सेप्ट है राइट्स के ऊपर, ये राइट्स को लेने की भी बात करते हैं, वो किस तरह से छीनेगा वो भी मैं आपको समझाऊंगा। नेचुरल लॉज जो है वो किससे आए हैं? आपकी मानसिकता से, आपकी चेतना से, आपकी बौद्धिक जो सोचने की ताकत है, आपकी इंटेलेक्चुअलिटी से आपने नेचुरल लॉज की बात की है। नेचुरल लॉ क्या कहता है? मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए कि आप, एक कहानी मैं आप लोगों को सुनाता हूं, कई बार मैं ऑफलाइन क्लासेस में भी जब थॉमस हॉब्स को डिस्कस करता हूं तो उस कहानी का सहारा मैं जरूर से लेता हूं। एक बार की बात है, अमेरिका की एक जेल में 6 कैदियों को रखा गया, और ये जेल जो थी बहुत एक्सट्रीम ट्रेन में थी, बहुत दूर दराज के एरिया में थी, जहां से किसी भी नियरेस्ट शहर को पहुंचना आसान नहीं था। अगर आप इस जेल से भागने की कोशिश करें तो 100% चांस है कि उस शहर तक पहुंचने से पहले आपकी जान चली जाए भूख प्यास से। परंतु 6 कैदी यहां से भागने का डिसाइड करते हैं और एक दिन यहां से भाग जाते हैं। जब वो लोग भाग रहे होते हैं तो चलते चलते एक समय ऐसा आता है जब भूख प्यास से तड़फ के उनमें से एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो बाकी जो 5 है बैठ के इसका शोक मना रहे होते हैं, परंतु तभी उनमें से एक खड़ा होता है और इस मरे हुए व्यक्ति को खाना शुरू कर देता है। जी हाँ, इसका मांस खाना स्टार्ट कर देता है। ऐसे में बाकी 4 पहले तो विरोध करते हैं, परंतु उनको समझ में आता है कि यही मजबूरी है, फिर वो उसको खाना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद कुछ समय बाद एक और व्यक्ति उनमें से मरता है, तो बाकी जो 4 बचते हैं उसको खा लेते हैं। अब जो 4 बचे हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, परंतु उनमें से एक कैदी जो भागा था उसकी भूख अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रही कुछ दिनों बाद, तो वो डिसाइड करता है कि उनमें से एक बीमार व्यक्ति जो है वो उसको मारेगा और खा जाएगा। तो एज अ रिजल्ट वो
उसको मारने की कोशिश करता है। अब इस कंडीशन में वो चारों बहुत हताश होते हैं और उनको लगता है कि क्या समय आ गया है कि हम एक दूसरे को मार के खाना चाह रहे हैं। तब वो डिसाइड करते हैं कि हम प्राकृतिक कानून का सहारा लेंगे, जो मरेगा खुद से पहले हम उसी को खाएंगे, हम किसी को मार के नहीं खाएंगे। तो इस तरह करते करते सब मर जाते हैं। लास्ट में एक कैदी बचता है जो शहर तक पहुंचता है और अपनी ये कहानी सुनाता है। ये स्टोरी मैंने कभी बहुत समय पहले टीवी पे सुनी थी, आई डोंट नो ये कितनी ट्रू है और नॉट, बट कैनिबलिज्म की ये स्टोरी थी और यहां पर ये एग्जाम्पल फाइनेस्ट बैठता है, दैट इज नेचुरल लॉ, कि प्राकृतिक तौर पर कानूनों को बनाया जाए, दैट मीन्स कि जो नेचुरली मर रहा है उसको खाएंगे, ना कि किसी को मार के खाएंगे। तो यहां पर भी डिस्कस हुआ और डिसाइड हुआ कि हम लोग कुछ राइट्स की बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड अननेचुरल राइट, प्राकृतिक अधिकार की बात करेंगे। तो प्राकृतिक अधिकार क्या कहता है? प्राकृतिक अधिकार में पहला अधिकार है राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार। अगर आपने जन्म लिया है तो आप जिएंगे, दैट इज राइट टू लाइफ। आपकी लाइफ बचाना आपका खुद का अधिकार है, उसके लिए कोई नहीं आएगा। तो जिसकी लाठी उसी की भैंस कॉन्सेप्ट को यहां पर प्रूव करते हैं। अगर मैं ताकतवर हूं तो मेरे पास राइट टू लाइफ है, मैं अपनी जीवन बचाने के लिए किसी की जिंदगी ले सकता हूं, ठीक है। तो ये राइट जो था, राइट टू लाइफ जो था, थॉमस हॉब्स कहते हैं कि यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि हर व्यक्ति को अपने जीवन का अधिकार था और वो जीवन बचाने के लिए जीवन ले भी सकता था, ठीक है। और अगर उसका जीवन कोई ले ले तो ऐसे में कोई सुनवाई नहीं थी। तो ऐसे में थॉमस हॉब्स कहते हैं कि इन परेशानियों के चलते, इन दुविधाओं के चलते मनुष्य ने डिसाइड किया कि अब एक संविदा किया जाए, एक समझौता किया जाए, एक कॉन्ट्रैक्ट को शेप दी जाए। तब उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया विच इज नोन एज द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और डिसाइड ये हुआ कि हमारी जितनी भी शक्तियां हैं, जितनी भी ताकत है, ठीक है, हम वो सब अपने से प्रैक्टिस नहीं करेंगे। दैट मीन्स अपना नेचुरल राइट हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हम अपना नेचुरल राइट ये दे देंगे अपने एक सॉवरन को, ठीक है, एक संप्रभु को हम दे देंगे, जो कि संप्रभु होगा कौन, राज्य होगा, स्टेट होगा, ठीक है, स्टेट ही अब इस राइट को संभालेगा। इसका मतलब ये है कि अगर कोई मेरे ऊपर हमला करे तो मेरा अधिकार नहीं है कि मैं उसके ऊपर हमला करूं, बिकॉज मेरी जो लाइफ है इट इज प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट। तो अगर हमला मेरे ऊपर होगा, ठीक है, क्योंकि मैं स्टेट से प्रोटेक्टेड हूं, तो उस व्यक्ति के खिलाफ जो सजा होगी वो स्टेट देगा, ना कि मैं दूंगा, ठीक है। दिस इज आवर नेचुरल राइट इन स्टेट, ठीक है। तो थॉमस हॉब्स कहते हैं कि इसी राइट को बचाने के लिए, ठीक है, स्टेट को बनाया गया, और इसको बचाया कैसे गया, इसको स्टेट को दे दिया गया। अब किसी के पास भी ऐसा कोई नेचुरल राइट नहीं था। अब क्योंकि आपकी लाइफ प्रोटेक्टेड है बाय दी स्टेट, तो स्टेट को यह भी राइट है कि वो आपकी लाइफ ले सकता है। अगर कभी ऐसा होता है कि कोई ऐसी कंडीशन है जहां आप स्टेट के खिलाफ जा रहे हैं, या आपकी वजह से स्टेट की सॉवरेंटी के ऊपर कुछ हो रहा है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में स्टेट आपकी लाइफ ले सकता है। अब यहां लोगों ने कहा कि लेविथन तो बहुत गलत हो गया, ठीक है, लेविथन ने तो लोगों का वही अधिकार छीन लिया जिसके लिए राज्य को गया। परंतु थॉमस हॉब्स ने कहा कि लाइफ ली जाएगी, पर उसके लिए एक कंडीशन होनी चाहिए, देयर मस्ट बी अ वैलिड कंडीशन। क्या आपने सुना है कि किसी ने कोई चोरी की और उसके लिए उसको सजाए मौत दी गई? भारत में भी कैपिटल पनिशमेंट है, बट वो कब देते हैं? रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट क्राइम में। हम लोगों को सबको पता है कि एक दुखद हादसा ऐसा ही हुआ था, इसी प्रकार का एक क्राइम दिल्ली में हुआ था 13 दिसंबर 2013 के समय, जब निर्भया केस हमारे सामने आया था। तो उस कंडीशन से 2012 उस कंडीशन में जो कैदी, जो प्रिजनर्स थे जिनको सजा मिली थी, उनको सजाए मौत दी गई, ठीक है। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि वो रेडेस्ट ऑफ द रेडेस्ट क्राइम था, ठीक है। तो कैपिटल पनिशमेंट आज भी एग्जिस्ट करती है, थॉमस हॉब्स ने जो कहा। इसी के साथ थॉमस हॉब्स ने कहा कि आप राज्य के अंदर रह रहे हैं, राज्य जो अधिकार आपको दे रहा है उनके अंदर राज्य आपको प्रॉपर्टी रखने का भी अधिकार देता है, परंतु अगर राज्य को जरूरत पड़ती है तो ये प्रॉपर्टी ली भी जा सकती है, पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, जो आज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में भी मौजूद है। जब गवर्नमेंट कोई प्रोजेक्ट लगाती है, कोई रोड निकालती है, रेल रोड निकालती है, एयरपोर्ट बनाती है, तो ऐसी कंडीशन में आपकी प्रॉपर्टी को एक्वायर किया जाता है, इसके बदले आपको कॉम्पनसेशन दिए जाते हैं। तो दीज ऑल कम अंडर दी थॉब्स आइडियाज, जबकि थॉमस हॉब्स ये बात क्लियरली बोलते हैं कि इस तरह की कंडीशन में क्या करना चाहिए। सुन हॉब्स की थ्योरी में, अब स्टेट के बनने के बाद थॉमस हॉब्स जिस तरह से स्टेट को ये सारी पावर देके जाते हैं, कुछ मुद्दों को लेके थॉमस हॉब्स बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। थॉमस हॉब्स कहते हैं, जहां बात होती है नेचुरल राइट्स की या नेचुरल लॉस की, तो मैं इनको मानने से मना करता हूं। कॉन्ट्रडिक्शन थोड़ा आपको लगेगा, आप कहेंगे कि सर पहले हॉब्स ने नेचुरल लॉज और राइट्स की बात की, अब उसको मानने से मना करते हैं, मतलब क्या है? स्टूडेंट इस चीज को इस तरह से समझिए कि थॉमस हॉब्स कहते हैं कि जहां नेचुरल लॉज की बात आती है,
प्राकृतिक कानूनों की बात आती है तो आगे चल के ये डिवाइन राइट से, डिवाइन लॉ से जुड़ जाते हैं, भगवान से जुड़ जाते हैं, भगवान की बातों से जुड़ जाते हैं। ये प्राकृतिक कानून धार्मिक कानून बन जाते हैं, दैवीय कानून बन जाते हैं, और मैं इनको मानने से बिल्कुल मना करता हूँ। मैं इस प्रकार के किसी भी कानून में की बात नहीं करता हूँ। मेरे लिए लॉ मस्ट बी लीगल, ठीक है, लीगल होना चाहिए जो भी हो। राइट्स की अगर बात की जाए तो थॉमस हॉब्स कहते हैं कि राइट कैन एग्जिस्ट ओनली विद इन द स्टेट, देयर इज नो राइट आउटसाइड द स्टेट एंड देयर इज नो लाइफ आउटसाइड द स्टेट। वो कहते हैं राज्य से बाहर कोई कानून नहीं, कोई अधिकार नहीं। उदाहरण के तौर पर अगर आप जंगल में हो और आप कहते हैं कि आई हैव अ राइट टू लाइफ, मेरे पास जीने का अधिकार है, परंतु आपसे शक्तिशाली कोई आ जाता है और वो भी यही बात कहता है और आपको मार देता है, तो इन शॉर्ट उसने आपका अधिकार छीन लिया। तो ऐसी कंडीशन में जहां आप कमजोर हैं, वीक हैं, और आपके साथ में कोई बलवान खड़ा है, तो यहां पर आपके पास कोई राइट ही नहीं है, बिकॉज राइट टू लाइफ तो उसके पास है, ही कैन टेक योर लाइफ एट एनी टाइम। तो थॉमस हॉब्स कहते हैं दिस कॉन्सेप्ट ऑफ राइट टू लाइफ कैन एग्जिस्ट ओनली विद इन द स्टेट, आउटसाइड द स्टेट देयर इज नो राइट टू लाइफ। तो ये कहते हैं नेचुरल कंडीशन में स्टेट के बाहर राज्य के बिना कोई राइट टू लाइफ नहीं है। और नेचुरल लॉस का जब कॉन्सेप्ट आता है तो थॉमस हॉब्स बड़े तौर पर कहते हैं कि वो है कानून जो कि राज्य बनाता है, राज्य नीति पे आधारित होते हैं, व्यवस्था पे आधारित होते हैं, जिनको फॉलो कराने के लिए राज्य पनिशमेंट देता है, रिवॉर्ड देता है, दैट इज द ओनली एग्जिस्टेंस लॉ। इसके अलावा मैं किसी भी कानून पे, किसी भी तरह के कानून पे विश्वास नहीं करता। थॉमस हॉब्स के ये विचार इनके मॉडर्न स्टेट के आइडियाज को बहुत डिफरेंट बना देते हैं। साथ ही थॉमस हॉब्स के कुछ और विचारों पे अगर यहाँ पर नजर डाली जाए तो थिंकर्स ने थॉमस हॉब्स को जब कहा कि ये यूटिलिटेरियन है, मटरलिस्टिक है, साथ ही इनके ऊपर ये आरोप भी लगे कि ये इंडिविजुअलिस्ट बहुत है, ये बहुत ज्यादा व्यक्तिवादी बात करते हैं, और ये बात सही भी है। प्रोफेसर वाइपर कहते हैं कि थॉमस हॉब्स की शुरुआत जो है सीबी मैकपर्सन कहते हैं, नॉट वाइपर, सीबी मैकपर्सन कहते हैं कि थॉमस हॉब्स की शुरुआत इंडिविजुअलिस्ट के तौर पर हुई और एब्सोल्यूटिस्ट के तौर पर इनका अंत होता है। इनकी पूरी फिलॉसफी का शुरुआती तौर में व्यक्ति के ऊपर ही सब कुछ डालते हैं, कहते हैं व्यक्ति बलवान है, राज्य में आया है, अकेले ही आया है, किस तरह से चीजें यहां तक पहुंची हैं, समाज का निर्माण व्यक्ति को सबसे इंपॉर्टेंट मानते हैं, और कहते हैं कि हर चीज व्यक्ति के ऊपर आधारित है। आपकी सोच, आपकी शक्ति, आपकी मानसिक ताकत ही ये डिसाइड करती है कि आप क्या करेंगे। हर इंडिविजुअल अपने आप में अलग है। साइकोलॉजिकली अगर इस चीज को समझें आप, दो लोगों की साइकोलॉजी एक जैसी नहीं हो सकती। क्या कहा था हिटलर ने कि एक कमजोर के हाथ में बंदूक दो और एक ताकतवर के हाथ में लाठी दो तो रिजल्ट बराबर ही होगा। इट्स ऑल अबाउट योर साइकोलॉजी। पावर का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है, साइकोलॉजिकल पावर की हम लोग बात करते हैं। थॉमस हॉब्स की भी इसी तरह का आइडिया देते हैं, इंडिविजुअल्स को महान बना के जाते हैं, इंडिविजुअल्स की तौर पर शुरुआत करते हैं, पर अंत में ये सारी ताकत, ये सारी शक्ति सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू राज्य को दे देते हैं, जो कि एब्सोल्यूटिस्ट बन जाता है, ठीक है, संपूर्णतावादी हो जाता है राज्य। अब कहीं हद तक बच्चों ने ये भी कहा कि सर अगर राज्य की बात की जाए तो उस समय में राज्य का मालिक राजा होता था, तो राजा सबसे ज्यादा ताकतवर हो गया। अगर इनडायरेक्टली सेंस में समझा जाए तो ये बात बिल्कुल ठीक है, बट इनकी इंडिविजुअलिज्म वहां तक भी आपको नजर आती है कि किस तरह से थॉमस हॉब्स इन विचारों में बड़े तौर पर बदलाव लेके आते। तो स्टूडेंट ये थे थॉमस हॉब्स के ऊपर ने लिखे सारे विचार जो उन्होंने कहा अपनी अलग अलग किताबों के थ्रू। थॉमस हॉब्स ने जब सॉवरेंटी की बात की, संप्रभुता की बात की, तो इस बात पर बल दिया कि संप्रभुता जो होती है वो इंडिविजुअल और स्टेट दोनों की होती है। इंडिविजुअल जो है संप्रभुता को जब महसूस करते हैं तो अपने कार्यों में, अपने सोचने की शक्ति में, अपने घूमने फिरने में, हर चीज में उसको काउंट करते हैं। किसी का भी कोई दबाव, किसी का भी कोई अधिकार, किसी का भी कोई प्रेशर वो महसूस नहीं करना चाहते। व्यक्ति चाहता है कि वो संपूर्ण तौर पर आजाद रहे, तो इसलिए कई बार वो राज्य से भी आजाद होने की बात सोचता है, परंतु राज्य के बाहर उसका कोई भविष्य नहीं है। जब स्टेट की हम लोग सॉवरेंटी की बात करते हैं तो ये सॉवरेंटी बहुत सारी चीजों पर आधारित होती है। राज्य अपने कार्यों में किसी का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करता, चाहे वो आंतरिक हो या बाहरी हो, या फिर किसी भी प्रकार का दबाव जो कि बाहरी तौर पर आए राज्य उसको बर्दाश्त नहीं करता। वह अपने कार्य करने में, अपनी प्रणाली में पूर्ण तौर पर संप्रभु है। इस प्रकार से सॉवरेंटी की थ्योरी को भी आगे रखते हैं। ऑल दो थॉमस हॉब्स का कॉन्ट्रीब्यूशन अगर आज हम आज के तौर पर देखें तो यूटिलिटेरियन होने के साथ साथ इनका कॉन्ट्रीब्यूशन जो है कैपिटलिज्म से भी जुड़ जाता है। कुछ थिंकर कहते हैं कि ना सिर्फ इन्होंने यूटिलिज्म को बढ़ाया, अभी तो कैपिटलिज्म की तरफ भी इनका झुकाव था, तो वो बात कहना गलत नहीं होगा। बिकॉज प्रोडक्टिवनेस और प्रोडक्टिविटी विच इज रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी विच इज रिलेटेड टू द यूटिलिटेरियन एस्पेक्ट इन टर्म्स ऑफ साइंटिफिक मटेरियलिज्म, हम उसको डिनाई नहीं कर सकते। तो दिस इज ऑल अबाउट द थॉमस हॉब्स, इनका कॉन्ट्रीब्यूशन, क्या क्या इन्होंने दिया, किन किन मुद्दों पे बात की। आई विश ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आए। थैंक यू सो मच।